धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ऐसे जन्म दिया इंसानों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के सेवा में लगा दिया। आज फादर जी की पहले बात करना चाहूंगी, आज उनका 87th बर्थडे है और फादर जी को मैं 88 से मिली थी और फादर जी के मन में हमेशा दूसरों को शिक्षा देने का, बच्चों को शिक्षा, बच्चे शिक्षित बने, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनका ये सपना था और उन्होंने शहीद नगर जैसे स्थान को चुना और एक छोटा सा बीज जो आज उन्होंने शिक्षा का डाला था वो आज बड़ा वृक्ष बनकर फैला हुआ है और शहीद नगर में ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जो फादर जी को ना जानता हो और हमारे आशा जी फाउंडेशन को ना जानता हो। सभी को पता है यहाँ पर अनाथ, बेसहारा, गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है और अच्छी शिक्षा दी जाती है और इन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगाया। लेप्रसी जैसे आनंद ग्राम की बात करें तो वहाँ से भी बच्चों को शिक्षा दी गई, अच्छी शिक्षा देकर उन्हें सक्षम बनाया गया। फादर जी की बात जितनी भी करें कम है क्योंकि सही बात है ईश्वर सबको जन्म देता है लेकिन उसके अच्छे कार्यों को हम याद करते हैं, उसको याद करके हम उनका नाम हमेशा के लिए जब तक जीवित रहते हैं उसको याद करके उसका नाम करते रहते हैं। तो फादर जी भी उन्हीं व्यक्तियों में से हैं जो आज हमारे बीच नहीं है मगर हमें नहीं लगता कि वो हमारे साथ नहीं है। फादर जी के हमें अभी ऐसा लगता है कि हम जो उनके नक्शे कदम पर जो चलकर हम आज यहाँ हैं तो उन्हीं की बातों को, उनके अच्छे कार्यों के साथ जुड़कर हम आज इस संस्था के साथ जुड़े हैं और इसी कार्यभार को मैम ने, सर ने अभी तक संभाले रखा है और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। AR राजमणी एजुकेशन एक स्कीम ऐसी है जिसमें बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है तो फादर के सपने को वो आज पूरा कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे तो ये भी उनको जिम्मेवारी ईश्वर की तरफ से मिली है। सेकंड मैं वो भी राजमणी है अंकल जी भी तो सही बात है ये भी दो रत्न ऐसे हैं उनको भी मैं बहुत इतना मतलब उनके लिए क्या कहूँ, इतने नरम स्वभाव, शांत स्वभाव के थे, जब भी मिलते थे कहीं तो उनके चेहरे में हंसी, अंकल नमस्ते नमस्ते, ठीक हो बेटा, ठीक है ऐसे। और फंक्शन होता था तो अंकल जी आते थे नमस्ते सर झुकाकर, हम करे ना करे अंदर पहले ही सर झुका लेते थे और हमेशा उनके चेहरे में हंसी रहती थी और फादर के साथ भी जब आते थे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। पर दुख तो है, इंसान चला जाता है दुख तो होता है क्योंकि फादर जब गए हमारे लिए ऐसा लगता था हमारे लिए कुछ भी नहीं रहा, ये संस्था ऐसे लगता था कैसे होगा क्या होगा, तो फिर जब अंकल जी आते थे तो लगता था कि फादर हैं हमारे साथ, अंकल जी हमारे साथ खड़े हैं। आज अंकल जी नहीं है तो कमी तो उनकी लगेगी पर फिर भी उन्होंने अपना पूरा जीवन अच्छे से बिताया, अपने परिवार को अच्छा छोड़कर गए, सबको हंसी हंसता खेलता सबको छोड़कर गए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने अपना जीवन जितना भी बिताया बड़े अपने अच्छे कामों में बिताया और ईश्वर ऐसे ही सबको सदबुद्धि दे, हमें भी ऐसे ही बनाए उनकी तरह और शांति को उनके लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब हम इनवाइट करेंगे अंकल की बेटी सरोजा अजय कुमार सिस्टर को।